नमस्कार, नेशनल खबर 9 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इस वक्त बुलेटिन देश प्रदेश। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे तमाम शहरों से तमाम अहम और बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले डालते हैं इस खबर पर एक नजर। जालौन के उरई कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम सर्विलांस टीम ने शहर में मादक पदार्थ का गोरख धंधा बड़े जोरों पर चल रहा था, जो पुलिस के लिए आफत बना हुआ था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस के सारे प्रयास विफल नजर आ रहे थे। तभी अचानक पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक अनजान व्यक्ति अजनारी रेलवे क्रॉसिंग के पास किसी से कुछ बेचने की बात कर रहा है। मुखबिर इस सूचना को सत्य मानते हुए कोतवाली प्रभारी अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस को देख वहां खड़े लोग भागने लगे। वहीं पुलिस ने मुजाम उर्फ निजाम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस को 1 किलो 400 ग्राम गांजा तथा 1 अंतमंचा, 300 भोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए, जिसका पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए जालौन के SP स्वामी प्रसाद ने बताया कि निजाम नाम का एक सातिर अपराधी है और साथ में लुटेरा भी है। यह गांव की चोरी और भैंसों की चोरी में हमेशा लिप्त रहता है। इसके ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। कल अचानक इसके द्वारा राठ जनपद से भैंसे चोरी करके उरई लाया गया था, जिसको तत्काल मुखबिर सूचना पर मेरे द्वारा दबिश दी गई, जिसको रंगे हाथ पकड़ा गया तथा इसके पास से 1 तमंचा, 2 कारतूस और 1 किलो गांजा बरामद किया गया, जो यह सब अपने ये हमारे यहाँ मुजाम नाम का एक शातिर अपराधी जो लुटेरा भी है और भैंसों की चोरी और गायों की चोरी में हमेशा लिप्त रहता है। इसके ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। कल अचानक इसके द्वारा राठ क्षेत्र से भैंसों को चोरी करके जनपद उरई में लाया जाना पाया गया। तत्काल मुखबिर की सूचना पर मेरे द्वारा दबिश दिलवा करके इसे पकड़वाया गया। यह रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके पास से 1 कट्टा और 2 कारतूस भी बरामद हुआ है। साथ में गांजा भी इसके यहाँ पाया गया, जो इसके यहाँ रखा हुआ था। तो अपने जिले से करते हैं, बाहर से भी कोई चोरी? ये अपने जिले के अलावा बाहर जनपदों से भी भैंसों को चोरी करके इस जनपद में ला करके चोरी भेजता है। ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है। इसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं।